प्रदेश सहित राजगढ़ जिले में अति वर्षा के कारण खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे कराए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन करीब 45 मिनट तक किया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया। किसानों की माने तो अभी तक उनके खेतों में सर्वे नहीं हुआ है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि सर्वे कार्य चल रहा है। इसी बीच प्रशासन की लापरवाही के कारण भारतीय किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर निधि निवेदिता को ज्ञापन सौंपकर जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिलाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई किसान अपने हाथों में खराब सोयाबीन लेते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों की माने तो जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम बनाकर किसानों की फसलों के सर्वे का आदेश तो दिया, पर जिले के इक्का दुक्का गांवों को छोड़कर प्रशासनिक अमला अभी तक किसानों के सर्वे तो दूर सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा है। जब किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो ज्ञापन लेने कलेक्टर निधि निवेदिता नहीं पहुंची तो ज्ञापन लेने नायब तहसीलदार अंजनी जैन को भेजा। जवाबदार की ओर से तवज्जो नहीं मिलने पर किसान भड़क गए और कलेक्टर के सामने जयपुर जबलपुर रोड पर धरना देते हुए चक्का जाम कर दिया, जो करीब आधा घंटा चला, जिससे वाहनों की लंबी कतारें रोड पर लग गई। बाद में कलेक्टर खुद धरना स्थल पहुंची और किसानों को जल्द सर्वे कराने का आश्वासन दिया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हम सर्वे करवाएंगे और जो भी मिड सीजन एडवर्सिटी के जो भी राशि मिलती है किसानों को, जो भी मिलनी चाहिए वो सभी इनको दी जाएगी। मैडम, प्राथमिक सर्वे में कुछ आया क्या? प्राथमिक सर्वे में ये आया है कि यहाँ पर अफलन की स्थिति है, लेकिन एग्जैक्ट जितना परसेंटेज है वो हम लोग अभी दो दिन के अंदर तय करेंगे। विशेष श्रीवास्तव पर भी आरोप लगा रहे हैं। विशेष श्रीवास्तव का जो मामला है उसमें आई थिंक कोई जांच भी हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट में केंद्रीय इनके जो बैंक है उनको है, उनको लिखा गया है, इन पर कार्रवाई आपके द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।